अंजलि इस सप्ताह जब डॉक्टर के पास जाती है तब वह डॉक्टर से स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में पूछती है। डॉक्टर उसे बताते हैं, अंजलि यह एक बहुत अच्छा सवाल है और मैं खुश हूँ कि तुमने मुझसे यह सवाल पूछा है। क्या तुम जानती हो कि प्रपंच में हर साल 70 लाख बच्चों की मृत्यु होती है और उन बच्चों में 40% से अधिक नवजात शिशु होते हैं। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान करने से इनमें से 20% बच्चों को बचा सकते हैं। माँ का दूध बच्चे के जन्म के आधे घंटे के बाद ही देना चाहिए। यह पहला दूध पीला और गाढ़ा होता है, मलाईदार, उच्च प्रोटीन, कम वसा होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह अमृत के समान होता है। जन्म बाद पहले टीके के जैसा होता है, जो बीमारियों से लड़ने की ताकत बच्चों में देता है। और तो और, बच्चा ज्यादा दूध पिएगा तो माँ के छाती में ज्यादा दूध उतरेगा। माँ का दूध बच्चे के सभी जरूरतों को पूरा करता है और सबसे पौष्टिक होता है। बच्चे को पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, पानी भी नहीं देना चाहिए। स्तन के वसा कोशिकाओं और ग्रंथियों के कोशिकाओं के बीच में कई नालिकाएं होती है। प्रत्येक नालिका के अंत में छोटे थैलियों के जैसा होता है, जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। गर्भावस्था के तीसरी तिमाही से पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन प्रोलैक्टिन का रिहाई होता है, जिसके वजह से एल्वियोलाई में माँ के रक्त के प्रोटीन, शक्कर, वसा, इन सब चीजों से दूध बनाना शुरू होता है। जन्म के बाद जब शिशु स्तन पर चूसता है तब पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की रिहाई होता है, जिसके कारण दूध एल्वियोले से होते हुए बाहर आता है, जिसे मिल्क लेटडाउन कहते हैं। दूध प्रवाह बढ़ने के साथ दूध से भरे एल्वियोलाई के संकुचन के कारण कुछ महिलाओं में स्तनों में एक झुनझुनी, चुभने या जलन के जैसा लग सकता है। बच्चे को पहले स्तन का दूध आखिर तक पिलाने के बाद दूसरे स्तन से पिलाना चाहिए। तो याद रहे, जन्म के तुरंत बाद और 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीने वाला बच्चा स्वस्थ रहता है और माँ भी प्रसव के बाद जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाती है। यह सब सुनने के बाद अंजलि निर्णय कर लेती है कि वह अपने बच्चे के लिए जरूर अपना दूध ही पिलाएगी। आप भी निर्णय कर लीजिए बच्चे को माँ का दूध पिलाने का। आप कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी नए मेड हेल्थ टीवी वेबसाइट पेश करते हुए हमें आनंद हो रहा है, जहां आप अपने तरह गर्भवती महिलाओं के समूह में अपने सभी प्रश्नों पर चर्चा ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं। कृपया हमारी चर्चा मंच की जांच करें www.med-health.org।